सेना के जवानों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को स्वीकार किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी निवृत्त सेना के जवान और जो जवान अभी भी सेवा में है, सभी को हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं। और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। 73 में सेना के जवानों को पेंशन को 70% से घटाकर 50% कर दिया गया। उस वक्त से ही वन रैंक वन पेंशन की डिमांड उठी थी। लंबे समय तक सेना के जवान अपनी मांग को लेकर संघर्ष करते रहे। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में गई, तब हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी और अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना के जवानों को आश्वस्त किया था कि वन रैंक वन पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो हम इसको सेना के जवानों को उपलब्ध कराएंगे। भूतकाल में कांग्रेस के समय में ही सेना के जवानों को पेंशन को कम करने का फैसला 1973 में लिया गया, और जब कांग्रेस की सरकार थी, उसकी अंतिम घड़िया थी, तब वन रैंक वन पेंशन के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए का आवंटन कर सेना के जवानों का एक तरह से मजाक भी उड़ाया गया था। जिस क्षण भारत के प्रधानमंत्री पद पर श्रीमान नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हुआ, उसी महीने से ये वन रैंक वन पेंशन को स्वीकारा है। मतलब एक साल की पाश्चात्य असर से इसका स्वीकार किया गया है। लगभग 9000 से 10000 करोड़ रिटायर्ड सेना के जवानों के पास हर साल ज्यादा जाएगा, मैं मानता हूं। ऐसा करकर मोदी सरकार ने सेना के जवान जो रिटायर्ड होंगे और जो अभी रिटायर्ड है, सबके लिए एक आर्थिक सुरक्षा चक्र प्रदान किया है। मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी को बधाई देता हूं, और सारे सेना के रिटायर्ड जवानों के जो परिवार है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं।